الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی مسلسل تفسیر میں سورۃ المومنون کا بیان آپ سن رہے ہیں. انسان کی تخلیق یہ آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا مٹی اور پھر اسے پانی کی بوند کیا اور پھر وہاں سے خون کی پھٹک اور پھر گوشت ہڈیاں اور یہ تمام سلسلہ آپ نے سنا. ایک انسان کو کہا گیا کہ وہ جو کچھ کھاتا پیتا ہے اس پر توجہ رکھے. کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, اس کے بارے میں لاپرواہی, غفلت, بے توجہی آپ کو کتنا نقصان دیتی ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں. آپ کی تخلیق پانی کی بوند سے ہوئی ہے. وہ پانی کی بوند جو آپ کے جسم میں بنی وہ غذاؤں سے تیار ہوئی ہے, اور اگر آپ کی غذا درست نہیں ہے تو پھر آپ کے اندر وہ خوبیاں نہیں آ سکتی جو ہونی چاہیے.
जितनी आपकी गिज़ा दुरुस्त होगी, हलाल होगी, कमाई का तरीका, खुद कमाई हुई चीज़ इस्तेमाल, उतना ही उसमें पाकीज़गी होगी, भलाई होगी। हमारे यहाँ परवाह ही नहीं है क्या खा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, कैसे कमा रहे हैं, क्या है, फिर औलाद की शिकायत क्यों करते हैं कि खराब है। जब आपने खुद ख्याल नहीं रखा तो मुजरिम आप हैं। इस हवाले से हमें सोचना चाहिए। फिर ऐ इंसान, तेरे मराहिल जिस तरह गुजरे हैं, ये क्यों बयान किए गए कि गौर कर, अकड़ क्यों रहा है, तूने हमेशा नहीं रहना। वो मट्टी जिससे इब्तिदा हुई थी, उसी मट्टी में तुझे लौटा दिया जाएगा। जिस मट्टी के ऊपर अकड़ के चल रहा है, इसी मट्टी के अंदर जाना है। अंजाम क्या है, गौर कर, होश कर, ध्यान दे। अगर गाफिल रहेगा तो नुकसान भी तुझे ही उठाना पड़ेगा। दफ्तर के टाइम का ख्याल बहुत है, वक्त पे पहुंचना है, ड्यूटी पे पहुंचना है, वर्दी पूरी पहननी है, वो दो पैसे जो तुझे मिल रहे हैं उसका तो इतना ख्याल है। जिस रब ने तुझे ये वजूद दिया, जिस पे वर्दी चढ़ाता है, इस वजूद का भी तो कोई हक है, उस रब का भी कोई हक है। सोच, गौर कर। इंसान जो होश में रहता है वो फायदे में रहता, जो गाफिल रहता है नुकसान उठाता है। फरमाया, फिर उसके बाद तुम जरूर मरने वाले हो, फिर तुम सब कयामत के दिन उठाए जाओगे। बोटियां गल सड़ जाएं, चीथड़े उड़ जाएं, दफन करने को कुछ मिले भी ना, अल्लाह के लिए दोबारा बनाना कुछ मुश्किल नहीं है। तो तुम्हें दोबारा उठाएगा। तुम पर ये जो दुनिया में जो जो कुछ गुजरा है, ये दुनिया तो दारुल इम्तिहान, यहां तुमने जो वक्त गुजारा है, यहां से तुमने एक दिन चले जाना है, और फिर नफखाए सानिया के वक्त जब सूर दोबारा फूंका जाएगा तो तुम अपनी कब्रों से उठाए जाओगे। सूफिया फरमाते हैं, इंसान रुतबे इंसानिया पर जब पहुंच जाता है तो मौत के काबिल हो जाता है। ये जिस्म, रूह को तो मौत आती नहीं, नफ्स पर आती है, इंसानी ढांचे पर। तो ये आपके आमाल जो आपने नफ्स के कहने पे किए, वो ख्वाहिशात जो दिल के कहने पर की, ये हशर के काबिल हैं, इनका हशर होगा। अगर नफ्स पर काबू पाकर रूह को कुव्वत बख्शी, ईमान के तकाजे पूरे किए, तो फिर कामयाबी है। और नफ्स के कहने पर रूह को दबा दिया और ईमान के तकाजे पूरे नहीं किए तो आप नाकाम हैं। ये आपने फैसला करना है कि मैंने आगे क्या पाना है, उसके हिसाब से मुझे यहां क्या करना चाहिए। राहें आपको दिखा दी गई, रहनुमाई कर दी गई, फैसला आपने करना है। तुम्हें जरूर मरना है और उसके बाद दोबारा उठाया जाना है। अब वो लोग
जो कहते हैं कि अल्लाह कैसे बनाएगा दोबारा, मैं इसका कई मर्तबा जवाब दे चुका हूं। इंसान अपनी जितनी भी अक्ल है उसके मुताबिक सोच करके कैसे हो जाएगा, वो ये बताए जब कुछ नहीं था तो अल्लाह ने कैसे बनाया था। उसके लिए दोबारा बनाना कुछ मुश्किल नहीं। वो कहते हैं ये दरमियान का सारा पीरियड कैसे गुजरेगा, क्या होगा, इसका कोई जिक्र नहीं है। तो किसी शय का मज़कूर ना होना, बयान ना होना, उसके अदम वजूद को मुस्तलज़म नहीं है। ये नहीं है कि वो है ही नहीं। अगर जिक्र नहीं किया गया तो इसका ये मतलब नहीं कि वो है ही नहीं। उलमा ने इसकी हज़ारों मिसालें दी हैं। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, हयात और जिंदगी जिसको आप कहते हैं और मौत, दोनों की पूरी तफसील हमारे सामने है। दोनों को अल्लाह ने बनाया है। इस इंसान के लिए इस जिंदगी की कोई बहुत अहमियत तो है कि वो हर वक्त इसी की सोच में लगा हुआ है। इसके बाद की जिंदगी की अहमियत जिन लोगों में है वो बाद के लिए लगे हुए। वो क्या कहते हैं, ये तो बहुत थोड़ी सी है, वो बहुत ज्यादा है। तो समझदार वही है जो ज्यादा के लिए मेहनत कर रहा है। जो थोड़ी के लिए मेहनत कर रहा है वो समझदार नहीं कहला सकता। इसको जहन में रखना। मौत आएगी, मौत के बाद दोबारा जिंदगी है। मौत के बाद दोबारा जिंदगी ऊंची गई है। ये मोमिन का ईमान है कि मैं मरने के बाद फिर उठाया जाऊंगा। जो ईमान वाले नहीं वो कहते हैं बस यही है, आगे कुछ नहीं है। लेकिन जो ईमान वाले नहीं वो मानते ही नहीं। जो ईमान वाले हैं वो कहते हैं मरने के बाद भी जिंदगी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر سات راہیں بنائیں، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، और हम खल्क से बेखबर नहीं हैं। इस हवाले से तराइक तरीक़ा की जमा है। तरीक़ की जमा तुरुक और तरीक़ा की जमा तराइक। आसमान मुराद हैं यहाँ सात। तराइक समा मुफरदात में तबक़ात आसमान, यानी हमने तुम्हारे ऊपर सात आसमान बनाए हैं। इन्हें तराइक फरमाने की तफसीर उलमा ने यह लिखी है कि वो एक दूसरे पर ऐसे हैं जैसे तहें होती हैं, एक चीज फिर दूसरी फिर तीसरी, इस तरह तहें हैं। जो एक शय दूसरी शय पर वाक़े हो उसे तरीक कहा जाता है। और हम अपनी पैदा करदा हफ्त तबक की मखलूक, यानी क्या क्या हमने बनाया है, उससे बेखबर नहीं कि उसे जाया कर दें, बल्कि हम हर तरह उसकी हिफाजत करते हैं। न मिटने देते हैं, न गिरने देते हैं, न खलल पड़ने देते हैं, बल्कि जुमला उमूर की तदबीर करते हैं। वो अल्लाह की कज़ा व क़दर मशीयत के तकाज़ों के मुताबिक है। क्या मतलब कि जितनी अल्लाह ने मखलूक बनाई है अल्लाह किसी से बेखबर नहीं। हज़रत सैयदना तैफूर बिन ईसा बायज़ीद बिस्तामी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर तुम्हें अल्लाह की पहचान उसका इरफान नहीं
तुम शायद अल्लाह के बारे में पूरे अंदाजे नहीं रखते, मगर अल्लाह ताला जानता है। और तुम कितनी ही कोशिश कर लो, तुम अल्लाह की कुदरत की गुनाह जान सकते नहीं, वो तुम्हारे साथ है। तुम उसको नहीं देखते मगर वो तुमको देख रहा है। तुम उससे गाफिल हो जाते हो, वो तुमसे गाफिल नहीं है। अब यहां इतनी बात आपको बताता चलूं, इंसान में ख्यालात सोचें कभी कभी इतनी हावी हो जाती हैं, उस पर इतना गलबा पा लेती हैं, वो फिर किसी ऐसी चीज के बारे में सोचने लग जाता है या ऐसे ख्यालात में गुम हो जाता है, उसको सिरा नहीं मिलता, परेशान हो जाता है। मगर यही इंसान जब कुरान पढ़ता है और अल्लाह की बताई हुई बातों में गौर करता है तो इसको फिर रहनुमाई मिलती है। क्या मतलब कि अक्ल बगैर उस्ताद के कभी सही रहनुमाई नहीं करती। अक्ल का कोई उस्ताद होना चाहिए, तो अक्ल का उस्ताद किसको बनाएं? उसको बनाएं जिसका उस्ताद रब है। तो अक्ल का उस्ताद नबी को बनाओ, अल्लाह के प्यारे को बनाओ, क्योंकि नबी का उस्ताद खुद रब ताला, वहां से जो रहनुमाई मिलेगी फिर तुम भटकने के लिए नहीं होवोगे, फिर तुम्हें हिदायत मिलेगी। और अगर तुमने इधर उधर की बातें, जिस तरह आजकल किताबें छपने लग गई, लोगों ने अपनी बातें, उनको पढ़ोगे तो परेशान होवोगे, दीन की कुरान और हदीस के मुताबिक बातें पढ़ोगे तो रहनुमाई मिलेगी। अगर सिर्फ साइंस पढ़ना कमाल होता, सिर्फ साइंस पढ़ना बुरी बात नहीं, मगर सिर्फ साइंस पढ़ना कमाल होता तो हर साइंसदान गौस बन जाता, कुतुब बन जाता, वली बन जाता, आरिफे बिल्ला, क्या मैंने कहा, अल्लाह को पहचानने वाला बन जाता। लेकिन ये आरिफ तो है ही नहीं, बिल्ले ही बिल्ले रह गए। अल्लाह के साथ इनका कोई ताल्लुक, बिल्ला अल्लाह की पहचान हो जाए, अल्लाह को पहचान लें। ये चांद पर कदम रखने का दावा करने वाले भी हकीकत को पहचान सके नहीं। तो पता चला कि अक्ल का जब तक कोई सही उस्ताद रहनुमा ना हो, ये अक्ल हमारे लिए हिदायत का सबब बनती नहीं। जरिया है मगर इसका कोई सही उस्ताद होना चाहिए, उसके बाद फिर फायदा होगा। तो याद रहे, ए इंसान, तुझे अगर अल्लाह ने बनाया है, तेरे लिए मौत है, मौत के बाद तूने फिर उठना है, मगर ये ना समझ कि तुझे छोड़ दिया गया, तेरे लिए पूरा इंतजाम किया गया, तुझे रहनुमाई दी गई, तुझे किताब दी गई, तुझे हिदायत के लिए अल्लाह ने अपने नबी भेजे हैं और ये सिलसिला जारी है। अब तेरी ख्वाहिश नफ्स क्या है, तेरी रूह का तकाजा क्या है, ये तूने पहचानना है कि तू अपनी मनमानी बातों पे चलना चाहता है या रब की रजा पे चलना चाहता, ये तूने फैसला करना है, क्योंकि तुझे इख्तियार दिया गया है। तो इंसान वही समझदार है जो इस अक्ल से सही रास्ते का चुनाव करे। इस अक्ल का उस्ताद किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को बनाए तो फिर ये कामयाब होता चला जाता है। अगर ये किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को छोड़ दे तो फिर इसके लिए कोई कामयाबी नहीं है। अब यहां आप कहेंगे, मौलाना साहब, मौलवियों ने क्या कर लिया है, साइंसदान तो जनाब देखें चांद पर पहुंच गए, ये कर लिया, वो कर लिया, मौलवियों ने क्या कर लिया है? तो मैंने आपको पहले बता दिया, असल कमाल क्या है, रब की पहचान और जिंदगी का सही इरफान, उसको सही गुजारना,
तो मुझे बताएं साइंसदानों ने इसमें क्या कमाल दिखा दिया। उन्होंने कुदरत की दी हुई अकल से जितनी इजादात की, ये क्यों नहीं पहचाना कि ये अकल के कारनामे हैं, तो अकल बनाने वाला कैसा होगा, क्यों नहीं सोचा। तो जब उनको सही रहनुमाई नहीं मिली, नतीजा ये कि वो कामयाब नहीं हुए। साइंस पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, ये जो जदीद आपके असरी उलूम है, ये मना नहीं, मगर अल्लाह को पहचानो। तुमने अल्लाह को ही ना पहचाना तो फिर इनके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ताला ने जमीनें भी बनाई हैं, आसमान भी बनाए। अब मुझे दुनिया का कोई साइंसदान बताए, आर्किटेक्चर आपके यहां बोलते हैं, अमेरिका वाले आर्चीटेक्चर बोलते हैं, ये माहिर तामीरात नक्शे बनाने वाले, कि जी इमारत कितनी ऊंची होगी, कितनी लंबी होगी, कितनी चौड़ी होगी, कितने उसमें सुतून होने चाहिए, उसकी सपोर्ट सहारे के लिए और क्या क्या होना चाहिए, बीम कितना होगा, लोहा कितना डाला जाएगा, छत कैसी डाली जाएगी, लोहे का जाल उसमें कैसे बिछाया जाएगा, अगर लोहे की नहीं बनानी है, दूसरा कोई सिस्टम है तो उसमें क्या करना है। आजकल शीशे और लोहे की बिल्डिंगें ऊंची ऊंची बन रही हैं। ये सारे बनाने वाले सारी दुनिया के इकट्ठे हो जाएं और मुझे बताएं बगैर सुतूनों के इतने बड़े आसमान कैसे खड़े, ये झुकते नहीं हैं, ये गिरते नहीं हैं, ये मिटते नहीं हैं, ये हिलते नहीं। किसने बनाए हैं? अल्लाह ने बनाए। तो पहचान लो कि अल्लाह की बनाई हुई ये जो चीजें हैं, रब ताला इनसे गाफिल नहीं। तुम्हारी बनाई हुई चीज जरा सी उसमें कमी रह जाए, सारी धड़ाम हो जाती है। ये रब ने इतने आसमान बनाए खड़े, उनमें कितनी मखलूक है, उनमें क्या कुछ है, ये जान सकते ऊंची, जो कह जान सकते हैं वो मुझे बता दे कि आसमान के अंदर क्या क्या है, कोई बता दे साइंसदान।